अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मुहर्रम में जो दूध का शरबत बनाते हैं वो दूध का शरबत। इसके लिए मैं लिए हूँ 1.5 लीटर गाढ़ा दूध और इसको गर्म करने के लिए रख दी। अच्छे से गर्म हो गया, बॉईल हो गया। अब इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 लीटर ये दूध है। अब इसमें मैं शक्कर डाली 100 ग्राम से बढ़ के, टेस्ट करके कम है तो मैं डालूँगी। 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। शक्कर टेस्ट के लिए मैं थोड़ी कम सी तो और डाली। अब इसको अच्छा पका लेंगे। जो शक्कर मेल्ट हो जाती है तो दूध फिर पतला हो जाता है। दूध को फिर 5-10 मिनट धीमे पे पका लेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1 मुट्ठी भर बादाम है, 1 मुट्ठी भर काजू है और पिस्ता है। इन तीनों को मैं भिगा ली अच्छे से। और इसको क्या करेंगे हम, और इसका थोड़े काजू और थोड़े बादाम का पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट डालेंगे और ये बारीक कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, काजू बादाम का पेस्ट। शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब बादाम काजू का जो पेस्ट है इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता, दूध में गाढ़ापन आता, दूध में गाढ़ापन भी आता और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा होता और हेल्दी भी रहता। अब इसको 5-7 मिनट हम धीमे फ्लेम पे अच्छा पका लेंगे। अब इसको 5-7 मिनट छोड़ देंगे या 7-8 मिनट इसको अच्छा छोड़ देंगे। इसमें क्या होता, जो बादाम और काजू का हम पेस्ट डाले उसका टेस्ट फ्लेवर दूध में अच्छे से आता। जब तक दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा जब तक हम क्या करेंगे, काजू बादाम पिस्ता है इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब शरबत पीते वक्त ये जो पीसेस आते बारीक, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूध की शरबत का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। सारे बादाम काजू और पिस्ता 7-8 मिनट में इसको अच्छे से पका लें। अच्छा पक गया। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे आना, ठंडा बोल लेते फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है। अब ये नॉर्मल हो जाना, ये जो गर्म गर्म है इसको नॉर्मल कर। हमारा ठंडा हो गया। कोयलों को मैं जलने के लिए रख दी। कोयला अगर बड़ा है तो 1 इंच काफ़ी होता, मेरे पास बड़ा कोयला नहीं है इसलिए मैं छोटे छोटे 2-3-4 कोयले ले लिए। जो बादाम काजू पिस्ता हम बारीक काट के रखे थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा बचा ले सकते हैं जब सर्व करते, जब भी ऊपर से डाल सकते हैं। कोयलों को जला ले मैं ऊद का धुएं के लिए। इसके लिए एक मिट्टी का छोटा घड़ा ले लेना। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बर्तन कोई भी डिश ले सकते। अब कोयले जो जलाए हम एक जगह कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कोयले हैं ये, अगर बड़ा कोयला है तो एक ही काफ़ी है। अब ऊद कोई भी जनरल स्टोर में मिलता या कोई भी दवा सास के पास मिलता, ऐसे टुकड़े रहते ऊद के, उसको बारीक कूट लेना, कोई भी चीज़ से बारीक बारीक कर लेना। इस तरह से बारीक कर ली। अब जलते हुए कोयलों में ये डाल देना ऊद, और जल्दी से इसको जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसको इसके ऊपर उल्टा रख देना। इस तरह से अब मैं कटोरी ली। कटोरी की जगह आप छोटी तश्तरी ले सकते हैं आप, या फ्लैट जो ढक्कन रहता है सिल्वर का पुराना कुछ भी ले सकते, उसके ऊपर अच्छा टाइट जम जाती है। थोड़ी देर में रखिए स्मोकी फ्लेवर के लिए। जल्दी से इसका कवर कर देना। अब इसमें दूध डाल देना, तेज़ डाल देना दूध और जल्दी कवर कर देना। माशाल्लाह ये ऊद का जो शरबत बना रहे हैं हम, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, दूध में, दूध के शरबत में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए इस तरह से इसको कवर करके रखना। इसके अंदर अभी अच्छा सा धुआं है, देखिए धुआं है। इसको जब तक धुआं इसमें बरकरार रहता उस तरह से ढाप के 10 मिनट के लिए छोड़ देना। सारा ऊद का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, दूध में अच्छे से आती है। जब दूध का शरबत पीते तो बहुत टेस्टी दिखता। आप इस मौके पर मुहर्रम के ज़रूर बनाइए। ऊद का धुआं आप घर में भी दे सकते, जब ठंडा मौसम रहता, ज़्यादा ठंडक जाड़े रहते और मक्खियां मच्छर आपको महसूस होते या घर में स्मेल अच्छी नहीं आ रही, या कोई भी मौके पर आप इसका धुआं घर में भी दे सकते।
चलिए इसकी स्मोक खत्म हो गया, अब इसको जग में निकालेंगे। मैं कोई बताना है वीडियो में बल्कि मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन आप घड़े में रख देना तकरीबन 2-3 घंटे जब तक आप पी रहे हैं। इसमें सच पीना अच्छा रहता टेस्ट। चलिए दूध के शरबत की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।